रूम से ज्यादा ठंडा बाहर लगता है। देखते हैं कहीं अगर मौका मिला तो। ओ शिट, ड्रोन तो लिया ही नहीं। यहाँ तो हर जगह बढ़िया ही व्यू रहता है। एज यूजुअल बाइक के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुआ है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि आज तो ड्रोन गया, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था और लास्ट में उसमें वार्निंग भी आ गया। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और उसके बाद से बंदीपुर टाइगर रिजर्व और उसके बाद मैसूर होते हुए बैंगलोर जाऊंगा। बाइक थोड़ा क्लीन कर लिया है, एक ब्रेक लिया हूँ। राइट नाउ इट्स 12 o'clock। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डे 2। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाहर ऐसे ही आया था। रूम से ज्यादा ठंडा बाहर लगता है। बाइक अपनी सेफ एंड साउंड यहीं पे खड़ी थी रात में। सामने भी पार्किंग है बट मैंने यहीं पार्क किया था। आज कहीं निकले नहीं थे तो सोचा शाम हो गया है, एक गेड़ी मार के आते हैं। मौसम तो एकदम बढ़िया है। देखते हैं कहीं अगर मौका मिला तो। ओ शिट, ड्रोन तो लिया ही नहीं। ड्रोन उड़ाना है क्या? उड़ाना है तो लेके आना पड़ेगा ना। चलो पहले ड्रोन लेके आते। पता था मुझे आधा सामान ना भूल ही जाऊंगा मैं। मौसम एकदम मस्त हो गया है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। देखेंगे कहीं अगर अच्छा कॉफी स्टेट मिला तो वहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे, नहीं तो ऐसे ही गेड़ी मार के आ जाएंगे। ऐसा टेम्परेचर बैंगलोर में रहता ना अभी तो मज़ा आ जाता। अरे बैंगलोर बाकी इंडिया के मुकाबले टेम्परेचर वहाँ कम ही रहता है, बट इस बार थोड़ा सा सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हो रहा है। इसीलिए लास्ट टाइम आया था तो इधर ही आसपास कहीं रुका था, वो वाले टी स्टेट्स में या कहीं किसी टी स्टेट्स पे रुका था। यहाँ तो हर जगह बढ़िया ही व्यू रहता है। एज यूजुअल बाइक के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुआ है। सेटिंग सारा चेंज कर दिया था मेरे लाइट्स का। खैर कोई नहीं, चलता है। पेट्रोल भी शायद भरवा ही लूँगा आने टाइम में। यहीं पे है पेट्रोल बंक, वापस इसी रास्ते से जाना है। लास्ट टाइम है लगता है यहीं पे कहीं रुका था। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। वैसे तो ये टी स्टेट में जा भी सकता हूँ यहाँ से, बट दूसरों के एरिया में ट्रेसपासिंग नहीं करना चाहिए। ट्राई करता हूँ ड्रोन उड़ाने का, बहुत ही प्यारा शॉट आएगा। वहाँ पे धूप आ गया है और इधर तो पूरा अंधेरा है। होप ड्रोन शॉट आप लोग को अच्छा लगा हो। ऐसा लग रहा था कि आज तो ड्रोन गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था और लास्ट में उसमें वार्निंग भी आ गया। फ्लाई जोन से ज़्यादा ऊपर चला गया है भैया, बुला लो अब घर। अभी थोड़ा इंस्टा 360 शॉट्स लेते हैं और फिर आगे से कहीं से यू टर्न लेके आ जाएंगे। अभी ठंड लग रहा है, मैंने सिर्फ इनर लाइनर्स पहने हैं जैकेट के अंदर, दैट्स इट। चलाने में तो मज़ा तो है भाई। पेट्रोल भरवा लेते हैं क्योंकि रिजर्व में लग गया है और यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। घाटी वाटी में कहीं पेट्रोल रहता नहीं है। राइट नाउ आई केम इन अयंगर बेकरी एंड आई हैव ऑर्डर्ड चिकन पफ, सॉरी चिकन रोल एंड कॉफी। यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, day 3 इन कोटागिरी। मैं यहाँ से बैंगलोर के लिए निकल रहा हूँ और जो रूट ले रहा हूँ वो मसीनागुड़ी होते हुए। पहले ऊटी जाना पड़ेगा, फिर मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और उसके बाद से बंदीपुर टाइगर रिजर्व और उसके बाद मैसूर होते हुए बैंगलोर जाऊंगा। आज मैं 6 o'clock की उठ गया था, राइट नाउ इट 7:30। पूरा तैयार हो गया हूँ, सामान भी मेरा सॉर्टेड आउट है। ब्रेकफास्ट करने का कोई मेरा खास मूड है नहीं। एटलीस्ट रूटी क्रॉस कर लूँ या हो सकता है मसीनागुड़ी भी क्रॉस कर लूँ, तब जाके कहीं पे हाईवे पे ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट करूंगा मूड है नहीं। पेट एकदम भारी भारी सा हो जाएगा, मन भी भारी भारी सा हो जाएगा। अराउंड 9:30 या 10 o'clock के अराउंड में ब्रेकफास्ट करेंगे। बाइक थोड़ा क्लीन कर लिया है, बगल में ये छोटा GS 310। बाइक तो अभी चमक गया, पीछे का छोड़ दिया, पैनियर्स साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कल रात में भी यहाँ पे जम के बारिश हुआ था और एकदम खिला खिला सा लग रहा है।
एक ब्रेक लिया हूँ, राइट नाउ इट्स 12 o'clock और एवरेस्ट अपनी यहाँ पे बंडीपुर से निकल गया हूँ। राइट नाउ द टेम्परेचर इज़ अराउंड 32-33 डिग्री सेल्सियस, इट्स टू हॉट। अभी लाइम सोडा ऑर्डर किया, लाइम सोडा पीते हैं और निकलते हैं।